मोबाइल सॉफ्टवेयर FRP फ्लैशिंग जैसी नई नई वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा ये चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों जय श्री राम। आज हम अपने लैपटॉप में विंडोज डालना सीखेंगे। विंडोज डालने के लिए हमारे पास एक सबसे ज़रूरी चीज़ है बूटेबल डिवाइस। उसको आप CD के फॉर्म में भी ले सकते हैं या पेन ड्राइव में उसको पेन ड्राइव को बूटेबल करके कर सकते हैं, ठीक है। और पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना कैसे बनानी है। फिलहाल हम अपने इस लैपटॉप में विंडोज 7 डालेंगे। जितनी भी विंडोज डलती हैं सबका प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो हम विंडोज 7 डालते हैं। उसके लिए देखो पेन ड्राइव चाहिए, ठीक है। इसको मैंने बूटेबल बनाई हुई है। इसका बूटेबल मैंने कैसे बनाई है इसकी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। सबसे पहले हम किसी पोर्ट में इसको इंसर्ट करेंगे और अपने लैपटॉप को ऑन करके हम अपने लैपटॉप की बूटेबल की प्रेस करेंगे। बूटेबल कीज़ क्या होती है, जिससे हमारा जो लैपटॉप है बूट हो जाए और हमने जो पेन ड्राइव लगाई है उसको वो बूट कर ले। अलग अलग लैपटॉप अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग बूट कीज़ हो सकती हैं। सपोज़ कीजिए मेरे में F12 है बूट की, किसी में F11 भी हो सकती है, किसी में स्केप भी हो सकती है, किसी में स्पेस भी हो सकती है। ये अलग अलग कंप्यूटर लैपटॉप की अलग अलग बात है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपना लैपटॉप ऑन करके मैं इसकी बूटेबल की प्रेस करता हूँ और बूटेबल की प्रेस करने के बाद देखो ऑन हो गया। मैं बूटेबल की मैंने प्रेस किया और हमारा सिस्टम जो है बूट कर चुका है। और बूट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, मेरे लैपटॉप में कुछ इस तरीके का आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कुछ ब्लू स्क्रीन में कुछ अलग तरीके से आए। हमें करना क्या है, हमें USB स्टोरेज डिवाइस पे आना है और शायद ये नीचे दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा, हमें USB स्टोरेज डिवाइस पे आना है। हो सकता है आपके सिस्टम पे USB स्टोरेज डिवाइस लिखा हुआ ना आए, जिस कंपनी की पेन ड्राइव है उसका नाम आए। जैसे मेरी सैंडिस्क की है तो आपके में सैंडिस्क लिखा हुआ है, अगर आपने किंगस्टॉन में बना रखी है तो किंगस्टॉन लिखा हुआ आए। कुछ भी है, हमें बस USB डिवाइस पे लाके इस पे एंटर मारना है। हमने एंटर मार दिया, अब हमारा सिस्टम बूट कर रहा है। देखो विंडोज ले रहा है, विंडोज इज लोडिंग फाइल्स। अभी मैंने इस सिस्टम में मेरे विंडो 10 डाली थी, लेकिन मैं विंडो 7 डाल रहा हूँ क्योंकि वो करप्ट हो गई थी, काफ़ी स्लो चल रही थी, ठीक है। ये हो गया हमारे सामने पेज ऊपर ओपन होके आ गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा सेटअप, सेटअप इज स्टार्टिंग। ठीक है, ये मेरे जो पेन ड्राइव बनाई है इसके अंदर ये बूटेबल बनी हुई है, इसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं विंडोज 7 एक्टिवेटेड जो लिखा हुआ है मैं इसको ही अपने सिस्टम में डालना चाहूँगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कस्टम एडवांस, ठीक है। अब देखो ये हमारा हार्ड डिस्क आ गया है। इस हार्ड डिस्क में देखो इस जो पार्टीशन 3 पार्टीशन 4 इसमें मेरा डाटा सेव है और मेरी विंडोज डली है पार्टीशन 2 में, ये सब में यही होता है, प्राइमरी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम रिजर्व जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्राइवर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब इसको डिलीट करने के बाद हम इस पार्टीशन को भी डिलीट करेंगे जिसके अंदर पहले हमारी विंडोज पड़ी थी, इसको डिलीट करेंगे तो ये और ये दोनों पार्टीशन जो हैं ये मर्ज हो जाएंगे, यानी कि एक में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया। अब क्या करना है, अब जो एक पार्टीशन मर्ज हो गया है इसको सिलेक्ट रहने देना और यहाँ पे हमें न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। और न्यू पे ही हमारा साइज आ गया, यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे, ओके। देखो ये पार्टीशन हमारा प्राइमरी में ये हमारा पार्टीशन बन चुका है और एक हमारा 100 MB का अलग रिजर्व पार्टीशन अलग हो चुका है। ये अलग होना चाहिए, अगर ये पार्टीशन अलग नहीं होता है तो समझ लीजिए विंडो डल तो जाएगी लेकिन इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी, ठीक है। इसी को सिलेक्ट रहने देंगे और करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक।
अब कॉपी विंडोज फाइल्स हो रही है, पहले ये कॉपी होगी उसके बाद ये 100% तक होगी, ठीक है। जब तक मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, क्योंकि कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे हमारे जो है वीडियोस काफ़ी लंबी बन जाएगी, पहले 1% हो जाए तब मैं इसको पॉज करता हूँ। ये 95% हो चुकी है, अब बस होने को है। ठीक है, अब ये डाउन 100% हो जाने के बाद अब हमारा सिस्टम जो है रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने से पहले हमें 10 सेकंड का टाइम देगा, जब वो 10 सेकंड कंप्लीट हो जाए और हमारा सिस्टम जब रीस्टार्ट हो उसी दौरान हमें अपने सिस्टम से जो हमने पेन ड्राइव डाली हुई है उसे निकालना होगा। देखो 10 सेकंड का समय दे रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाए और जब हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो तब हमें पेन ड्राइव निकालनी होगी। अगर नहीं निकालेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो हमारी पेन ड्राइव ये दोबारा से बूट करने लगता है और सिस्टम शुरू से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने पेन ड्राइव निकाल दी है, ये आ चुकी है हाथ में। ठीक है, अब हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स, सेटिंग को अपडेट कर रहा है हमारा सिस्टम। ये 2-3 बार रिस्टार्ट भी हो सकता है। सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेस, अब दोबारा वहीं पे पहुंच गए हैं, लेकिन ध्यान रखना इस समय हमने अपने सिस्टम में पेन ड्राइव नहीं लगाई हुई, पेन ड्राइव निकाली हुई है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट बस होने को है। समय लगेगा इसमें थोड़ा सा, चलने देते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप क्या हो पता चल जाए आपको, नहीं तो मैं वीडियो पॉज कर देता। देखो अब ये सेटअप हमारा कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग कंप्यूटर, दोबारा हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है। इंस्टॉलेशन मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है, अब बस थोड़ी बहुत औपचारिकता बची होंगी जिसमें हमें एग्री करना होगा, नेक्स्ट करना होगा, बस यही सब बचा होगा। अब देखते हैं स्टेप टू स्टेप चलेंगे और जो जो ये मांगेगा डिटेल हमारी उसको फिल करते चलेंगे और हमारे सिस्टम में विंडोज डल जाएगी।
यहाँ पे हमारा यूजर नेम पूछ रहा है, जो मन चाहे वो डाल दीजिए। मैं अपने यूजर नेम में एक बात डाल देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप अपने सिस्टम में पासवर्ड लगाना चाहते हैं पासवर्ड लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहते नेक्स्ट कर दीजिए। मुझे पासवर्ड लगाना ही नहीं है तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सिमिलेटर करूँगा और एक्सिमिलेटर ही करना है, ठीक है। मैं एक्सिमिलेटर कर दूंगा। ये टाइम देखो कर्नाटक का दिखा रहा है, हम इंडिया का टाइम डाल देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इंडिया पे ले जाएंगे, इंडिया इंडिया इंडिया, इस्लामाबाद कराची चेन्नई, ठीक है, कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, ये सिलेक्ट हो चुका है। टाइम और डेट सब यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। 7 तारीख है आज, जुलाई 2018, समय ये, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट कर देता हूँ। विंडो इज फाइनलाइजिंग हो रही है, नहीं इसे तोड़ नहीं तोड़ते बेटा, ठीक है। यहाँ पे स्किप कर देंगे इसको, आगे स्किप कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप जब विंडो डालें तो आपके सिस्टम में आए, लेकिन मेरे सिस्टम में आ रहा है। सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। लॉग ऑन प्रोसेस इंस्टॉलेशन फेलर, कोई बात नहीं, रिस्टार्ट हो रहा है। दोबारा ट्राई करते हैं क्या कह रहा है। शायद कुछ कमी रह गई होगी इसलिए रिस्टार्ट हो रहा है सिस्टम मेरा। देखते हैं कि कंप्लीट हुआ कि नहीं, शायद विंडो डल चुकी है, कुछ ऐसे ही एरर होगा, ठीक है। अभी हमारा डेस्कटॉप प्रिपेयर कर रहा है और हमारा सिस्टम कंप्लीटली ऑन हो जाएगा। हम अपनी सारी वो फिल कर चुके हैं, सब कुछ फाइनल कर चुके हैं। विंडो 8 और विंडो 10 में थोड़ी सी चेंजिंग है डालते समय। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ठीक सेम है, बट उसमें क्या करना है, देखो विंडो डल चुकी है, वो बाद में बताऊंगा मैं जब विंडो 10 और 8 डालना सिखाऊंगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने माई कंप्यूटर वगैरह का आइकन डालेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज में आएंगे। पर्सनलाइज में आके चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे इस पर क्लिक कर देंगे और हम कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, ये तीन चीज़ जरूरी होती है हमारे मेन स्क्रीन पे। तो माई कंप्यूटर अपने सारी फाइल्स ओपन करने के लिए, कंट्रोल पैनल कोई ऐप अगर हमने इंस्टॉल की हुई उसे अनइंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फिर ओके कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। देखिए कंप्यूटर आ गया हमारा, ठीक है, इसको ओपन करेंगे। अब इसके अंदर ड्राइवर्स डालेंगे, ड्राइवर्स डालने की वीडियोज़ फिर कभी बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।